चैनल पर आपकी फेवरेट सीरियल घूमे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर शांतनु दिखाएगा ईशान को सुरेखा का वीडियो। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि सुरेखा ईशान मैम की इतनी बेइज्जती करती है और उसका इनविटेशन कार्ड फाड़ कर उसके मुंह पर तमाचे की तरह मारती है, जिससे ईशान मैम भी यहां पर चुप नहीं बैठती और कह देती है कि जिस ईशान को तुमने मुझसे दूर किया ना, मेरे बेटे को, एक दिन वो तुम्हारे ऊपर जो तुमने किया ना वो सब कुछ लौट कर तुम पर जरूर आएगा, और ईशान एक दिन उसके दिल में जो छुपा हुआ प्यार है ना वो सामने आएगा और वो अपनी आई के पास जरूर आएगा। और ईशान मैम का दिल टूट जाता है और सभी बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है शांतनु भी, जिसके बाद सुरेखा आकर यहाँ पर झूठ बोल देती है और कहती कि वो नहीं आएगी, हमने तो ड्राइवर भी भेजा था लेकिन उसने बेइज्जती करके भेज दिया। और यहाँ पर जो है शांतनु, अब यहाँ पर उसको सच्चाई पता चल जाती है कि ईशान में ऐसे ऐसे कॉल करने पर कि भाई ये सब कुछ सुरेखा का किया धरा है, जिसके बाद यहाँ पर शांतनु जो सुरेखा से बात करने के लिए पहुँच रहा होता है, जहाँ पर सभी की लगाई हुई ग्राफी यानी कि उसकी पेंटिंग जो है वो वहाँ पर एग्जीबिशन के लिए नहीं उसके लिए अवार्ड के लिए लगाई जाती है, लेकिन सुरेखा वहाँ पर पहुँच कर बहुत बड़ा घोटाला करते नजर आएगी और उस पेंटिंग को जिसके लिए अवार्ड के लिए उसे चुना गया और फर्स्ट प्राइज मिलने वाला ही होता है और जजेस उसे चूज करे उससे पहले ही सुरेखा जाकर उस पर ब्लैक पेंट स्प्रे करते नजर आती है और शांतनु से बात करने के लिए पहुँचता ही है। इतनी देर में वहाँ पर सुरेखा को ये सब कुछ करते हुए देख लेता है, उसके हाथ पर लगे हुए पेंट से यहाँ पर खुलासा भी हो जाएगा जो ईशान देख लेता है। यहाँ पर शांतनु फाइनली यहाँ पर खुलासा करता है कि ये सभी की पेंटिंग किसी और ने नहीं सुरेखा ने बिगाड़ी है, जब जजेस वहाँ पर जज करने के लिए आते हैं और उसका वीडियो इस बार शांतनु रिकॉर्ड कर लेता है और वो ईशा मैम के लिए भी बात करने पहुँचता है और यहाँ पर सबके सामने जजेस के सामने पूरी कॉलेज के सामने शांतनु उसका भांडा फोड़ते नजर आएगा। ईशान को दिखाएगा वीडियो की सभी की पेंटिंग सुरेखा ने खराब की है और ईशा को भगाने में भी उसी का हाथ है, तो देखने को मिलने वाला है सुरेखा का भांडा फोड़ने वाला है अब ईशान के सामने।